हेलो दोस्तों, काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा। आज की हमारी टॉपिक है फ्रिज में लाइट जल रही है लेकिन फ्रिज का कंप्रेसर भी चल रहा है, उसके बावजूद फ्रिज ठंडा क्यों नहीं करता, क्या वजह होती है। चलिए आज की वीडियो में हम आपको बता देते हैं बहुत सिंपल और सरल तरीका पहचानने का। ये देखिए मेरी फ्रिज एग्जांपल है, मेरी बातों को सुनिएगा बहुत ध्यान से ताकि आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम बहुत सिंपल सरल तरीके से पहचान पाएंगे। सबसे पहले तो देखेंगे आपकी फ्रिज की लाइट जल रही है, कंप्रेसर भी चल रहा है, उसके बावजूद फ्रिज कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है। पहले देखिए इस फ्रीजर की ढक्कन को खोलेंगे, ढक्कन को खोलने के बाद यहाँ पर एक साउंड आती है हल्की सी, जैसे कि खाना डबकने वाली जैसी साउंड यहाँ पर आती है, सनसनाहट की। क्या सनसनाहट की आवाज आ रही है या नहीं, आवाज अगर बहुत देर के बाद थोड़ी सी आके फिर काफी देर तक रुक जाती है तो ये चोकिंग प्रॉब्लम है, या फिर सनसनाहट जैसे आवाज ही नहीं आ रही है तो वो है लीकेज प्रॉब्लम। गैस जो होती है कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाती है, जिस वजह से इस फ्रीजर में गैस दौड़ नहीं पा रही है, उसलिए जो आपकी फ्रिज है वो ठंडा नहीं कर रही है। तो देखेंगे पहले क्या इसमें आवाज आ रही है, आ रही है तो क्या लगातार आ रही है या फिर थोड़ी देर रुक जाती है फिर आता है, तो वो है चोकिंग प्रॉब्लम। इस चोकिंग प्रॉब्लम को पहचानने का एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, काफी इजी बहुत आसान। चलिए फ्रिज के पीछे चलते हैं। तो फिर दोस्तों ये है फ्रिज के पीछे की साइड, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से जाली लगी होती है। अब सिंपल क्या करनी है, यहाँ पर जाली में हाथ लगाकर छूकर देखिए क्या फ्रिज की जाली गर्म हो रही है नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी फ्रिज की जो जाली है वो गर्म हो रही या नहीं, तो चोकिंग होगी। तो जाली जो है कहीं ऊपर की साइड गर्म होगी और नीचे की साइड नहीं होगी, ऊपर की साइड गर्म होगी नीचे की साइड नहीं होगी। अगर गैस लीक हो गई होगी तो जाली बिल्कुल गर्म नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक तरीका और बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो कैप्सूल की तरह से एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर को हाथ से छूकर देखेंगे जब हम फ्रिज को चला रहे हैं तब, ये देखिए फ्रिज को चला रहे हैं तब छूकर देखेंगे तो ये काफी ज्यादा ठंडा महसूस होगी, ठंडा महसूस होगी तो फ्रिज जो है गैस चोकिंग हो चुकी है। अगर ठंडा महसूस नहीं हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो फ्रिज की गैस लीक हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप पहचान पाएंगे आपकी फ्रिज की कंप्रेसर चल रही है, लाइट भी जल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आपकी फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर पा रहा। बहुत सिंपल सरल तरीके से आप पहचान पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।